दोस्तों, आज एक मच्छी का बीट बनाने वाला हूँ। मगर मच्छी का खाना, जैसे मच्छी पकड़ने के लिए आप जाते हैं तो क्या बीट लगाना है और कौन सी मच्छी को क्या चीज़ मच्छी खाती है और कौन सी चीज़ लगाना है, इसी के बारे में आज मैं जानकारी देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये बीट जो बना रहा हूँ मैं, बहुत दिन से इस बीट पर काम कर रहा हूँ और मच्छी पकड़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते थे कि आप बीट क्या लगाते हो, मच्छी को क्या दाना डालते हो और मच्छी को क्या खिलाते हो। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाहता था मगर नहीं बना पाया। मगर अभी फ्री हूँ, बना रहा हूँ। जो चीज़ मैं बनाता हूँ मच्छी की बीट के लिए, जो चीज़ डाल रहा हूँ, ऐसे आप कीजिए। आप रोहू और मृगल बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकेंगे। जहाँ भी जाइए, नाला, नदी, डैम, जहाँ पर भी जाइए, आपको बहुत अच्छे से मच्छी लगेगी, क्योंकि बीट बहुत बढ़िया है। देखिए, बन तो कई पेयर भी मिलता है, जहीं पर जाइए आप बन मिल जाएगा आपको। आप एक काम कीजिए, पहले एक बन को लीजिए, जो बन जो है इसको लीजिए। इसको लेने के बाद में ठीक तरह से, क्योंकि भुनी हुई चीज़ मच्छी को अच्छी नहीं लगती, इसको ऊपर से पूरा काट दीजिए। ये जो छिलका लग रहा दिखा रहा है, जो छिलका है इसको काट दीजिए ठीक तरह से। 100% तो नहीं निकलेगा, मगर जितना निकलेगा उतना काट दीजिए। इसको काट दीजिए पूरा, क्योंकि मच्छी को तो भुनी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसीलिए इसको काट दीजिए। ऊपर जो आता है छिलका, इसको ठीक तरह से काटिए। इसको ठीक तरह से पैक करने के बाद बिल्कुल इसको ठीक तरह से काट दीजिए, इस्तेमाल मत कीजिए। इसको छोटा कीजिए, ऐसे बना लीजिए इसको। उसके बाद थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, शहद और चींटी का अंडा। चींटी का अंडा जानते हो ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। चींटी का अंडा इस्तेमाल करने से रोहू और मृगल के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो चींटी का अंडा डालते हैं उसमें एक बहुत बढ़िया खुशबू आती है, इसके वजह से मच्छी बीट के लिए ढूंढते हुए आ जाती है। बस ज़्यादा नहीं डालिए, चींटी का अंडा बस इस चम्मच से 2 चम्मच डालिए। और उसके बाद जो मछली के लिए फूड डालते हैं ना, एक्वेरियम के लिए जो छोटा सा दाना डालते हैं, अगर कहीं पर भी जाइए मिल जाएगा। जो एक्वेरियम में जो मच्छी डालते हैं वहाँ पर ये फूड मिल जाएगा। अगर ये ज़्यादा चाहिए ना, तो इसको अब जहाँ पर मच्छी पालते हैं, फॉर्म वगैरह जो रहता है वहाँ पर चाहिए, वहाँ पर थोड़ा बड़ा मिलेगा। केजी, 1 किलो, आधा किलो लेना हो तो उधर से ले लीजिए, इसका तो प्राइस बहुत कम है, इसको ले लीजिए। और मैं लेकर इसको आटा बना कर रखा हूँ ग्रैंड करके, क्योंकि वो ऐसे नहीं रख सकता, इसलिए ग्रैंड करके रखा हूँ। इसको अब बस थोड़ा डालिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया काम करता है मच्छी के लिए। थोड़ा डालिए, उसके बाद
घी डालिए, बस खुशबू के लिए। ये भी आप ज़्यादा मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, मगर मैं थोड़ा बना के बता रहा हूँ बस, क्या क्या करना है आपको, क्या डालना है इसमें, बस यही बता रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। ठीक से मिक्स करना पड़ेगा इसको। दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए, बस 4 से 5 मिनट। अच्छी तरह से मिलना चाहिए क्योंकि जो भी आइटम इसमें डाला हूँ ये अच्छी तरह से मिलना चाहिए। अच्छी तरह से मिलना चाहिए, देखिए अच्छी तरह से मिलने के बाद में लाइट येलो इस कलर आ जाएगा ये, ठीक तरह से मिलाइए। देखिए मिलने के बाद में गोला बन गया। दोस्तों मैं थोड़ा बनाया हूँ क्योंकि आपको बताने के लिए जो जो चीज़ डालना है डाल के थोड़ा बनाया हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा बना सकते हैं, 4-5 बन, और इसका खर्चा तो ज़्यादा नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये बीट जो है स्पेशल बीट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। देखिए इस तरह बनने के बाद मच्छी हुक को कैसे लगाना है, हुक को कैसे लगाना है और हुक कौन सा हुक इस्तेमाल करना है रोहू और मिरकल के लिए। देखिए रोहू और मिरकल के लिए बहुत छोटा हुक रहना चाहिए, एकदम छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटा रहना चाहिए। आप इस हुक को ले लीजिए, देखिए दोस्तों हुक ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए, बस साइज़ 0.8 या 1.0 ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा हुक रहेगा ना तो मछली नहीं खाएगी, खाएगी मगर बहुत कम। और देखिए मेरे पास ऑलरेडी हुक रेडी है, ये इसको कैसे लगाना है। हुक को बैठ कैसे लगाना है ये देख लीजिए, दोस्तों पूरी तरह से पैक कीजिए। ये ऐसा जो हुक दिख रहा है ना ये नहीं दिखना चाहिए, इसको पूरी तरह से पैक कीजिए। क्योंकि रोहू और मिरगल बहुत चालाक मछली है, अगर उसे कोई लोहे की चीज़ आसपास दिखाई देगी या हमारा हुक दिखाई देगा तो वो नहीं खाएगी। इसको ठीक तरह से ऐसे पैक कर दीजिए, दोनों दोनों हुक डालिए। और दोस्तों इसके बारे में मैं एक आगे एक वीडियो बताऊंगा, इसको क्या करना है, इस पे क्या डालना है, ये स्प्रिंग किस लिए है, क्या किधर, और इसमें कौन सी मछली पकड़ सकते हैं, मैं आगे एक वीडियो बना के आपको बताऊँगा। देखिए ठीक तरह से इसको आटा लगा लीजिए ऐसे। और देखिए दोस्तों
ये आटा लगाने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अगर आपके पास हुक है तो इसको एक छोटी सी स्प्रिंग डालिए दोस्तों। स्प्रिंग डालने से आपका बैट जल्दी नहीं गिरेगा नीचे, आपका आटा जल्दी नहीं गिरेगा नीचे, थोड़ी देर इस पे रहेगा। और देखिए दोस्तों, इससे बहुत फ़ायदा होगा। स्प्रिंग, कोई भी स्प्रिंग, छोटी वाली स्प्रिंग ऐसे लगा लीजिए। और दोस्तों, मछली को जाते हैं तो हुक के लिए आटा लगा कर फेंक देंगे तो मछली मिल जाएगी, ऐसे मत सोचिए। इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप लोग, आपको ज़रूर मिलेगी, कोशिश कीजिए। क्योंकि जो बाइट आपको मैं बताया हूँ बहुत बढ़िया है। मैं बताया था क्या क्या डालना है आपको। देखिए, इसमें एक चींटी का अंडा है, वो तो बहुत सारा मिलेगा। चींटी जहाँ पर रहेगी वहाँ पर अंडा मिलेगा। इसमें चींटी का अंडा और घी, हनी, शहद डालिए। चींटी का अंडा और शहद, ज़्यादा नहीं थोड़ा, और उसके बाद घी डालिए। दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। आप अगर थोड़ा कम पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें हो जाएंगे। और ये जो बताया था मैं, जो एक्वेरियम का जो फूड रहता है ना, वो मछली को डालते हैं, वो इस्तेमाल कीजिए। उसको क्रश कीजिए, क्रश करके घर पे रख सकते हैं आप, क्रश कीजिए। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे नए, आप अभी देख रहे हैं वीडियो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबाइए। और आपको आपको बहुत सारे मच्छी के इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाऊंगा। और कटला कैसा पकड़ना है, दूसरी मछली कैसे पकड़ना है, और पॉपअप तैयार कैसे करना है, और इस मच्छी, ये पॉपअप से कौन सी मच्छी लगेगी और कौन सी मच्छी पकड़ सकते हैं आप, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और बेल की घंटी दबाना मत भूलिए दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे वीडियो दूंगा मैं आपको मच्छी के बीट के बारे में, मच्छी किस टाइम पे मिलेगी और कहाँ कैसे मिलेगी, कहाँ बैठना है, कहाँ पकड़ना है, और ग्राउंड फील्ड क्या करना है, मछली को कैसे जमाना है एक ही जगह, आप जाएंगे तो आपको मछली कैसी लगेगी, सब बताऊंगा मैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।